आपका शुक्रिया। इन दिनों ओबीसी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है, आप क्या विचार रखते हैं कि इन दिनों ओबीसी से सबको बड़ा प्रेम हो रहा है? बीरेन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए नमस्कार, और सारे भाई जितने बैठे हैं हमारे डिबेट में सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार। और मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सब लोग भाई हैं, पार्टी अपनी जगह पे हैं, पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं और एक बने भाई हैं। डिबेट भी ऐसी होनी चाहिए जो आम हित में, आम जनता के हित में हो। इसमें किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को हमको अपशब्द का या इस तरह का नहीं होना चाहिए। धरातल इसमें आना चाहिए कि हम कितना भला कर सकते हैं अपने पद पर रहते हुए, अपनी पार्टी में रहते हुए। क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारे सब बुद्धिजीवी हैं, सब भाई हैं हमारे इस हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक देश ऐसा है जिसकी दुनिया में व्याख्या होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ बीरेन जी, आप बहुत अच्छे हमारे बहुत सुलझे हुए ब्रजेश जी, तो इन सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए एक जी, बात वो नहीं ठीक है, आपने इनको कह दिया, अच्छा किया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि पिछड़ा समाज के मन में क्या चल रहा है इन दिनों। देखिए भाई साहब, पिछड़े समाज के मन में ये चल रहा है कि पिछड़ा समाज अब तक पिसता हुआ है, हर पार्टी ने पीसा है। आज मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हाँ, हमारे कहीं ना कहीं एक उजाला दिख रहा है, अभी तक अंधेरे में जो पड़ा था ये समाज जी। हम टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बात जरूर कर देते हैं, सब मेरे भाई हैं, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, पर हम ये जरूर जानते कि देखिए हम अंधेरे से उजाले में कैसे आ सकते हैं। ये हमारा सब दलों का, सबका प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस हमारी बुरी नहीं है, कोई पार्टी बुरी नहीं है, बुरी है तो हमारी अपनी विचारधारा बुरी है। तो इस बुरी विचारधारा को हमने कैसे तब्दील, अच्छे जो दबे कुचले वंचित किसान जो लोग पड़े हैं इनके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, हमारा विचार ये होना चाहिए सबका। जी, आप क्या इस बात को मानते हैं कि राजनीति में जो पिछड़ा समाज की वर्तमान समय में हिस्सेदारी है वो सभी ताकतवर दलों में पर्याप्त रूप से मिल रही है, या फिर अभी उनको और ताकत दिए जाने की जरूरत है? देखिए, ताकत तो ईमानदारी से अगर पूछेंगे तो हर समाज को मिलनी चाहिए, हर वर्ग को, हर समाज को। चूंकि आज हिंदुस्तान में बरादरीवाद और ये सब जो चल रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमको यही धारणा खत्म करनी चाहिए कि हम किस जाति के। जिस दिन ये जाति की धारणा खत्म हो जाएगी, उस दिन ये हमारा सारा अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, सब हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, धोबी, जितने भी हैं हमारे, हम बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड हैं, जितने हाई कास्ट हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, हम उनकी भी तो बात करेंगे। थैंक यू वर्मा जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट को।